अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख जब्बार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्द व सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्कॉर्पियो वीकली हॉरोस्कोप 14 to 20 November, आपका यफ्ता कैसा गुजरेगा। स्कॉर्पियंस, आप के जायचे में इस वक्त बड़ी अहम तब्दीलियाँ जो है वो आ चुकी हैं और दो मामलात इस हफ्ते में भी तब्दील होंगे, जिसमें स्पेशली आपके जायचे के सातवें शरादी अजदवाजी तल्लुकात के हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त भी होंगी और कुछ एहतियात भी आपको करनी होगी। शर्फ कमर होगा 17 November को और ये एग्जैक्टली आपके जायचे के सातवें पार्ट में होगा, और फिर यहीं पे कमर को जो है, जब कमर अपनी आखिरी डिग्रीज के करीब होगा तो 19 November को जुज़वी कमरी ग्रहण भी होगा। ये आपके लिए बहुत ही अहमियत का जो है वो हामिल होगा। सो इन दोनों चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले आपके अपने रूलिंग प्लैनेट को डिस्कस करूँगा। बहुत अच्छी पोजिशन में है, फर्स्ट हाउस में है और साथ में सन है, मरकरी है, लेकिन सन की वजह से ये थोड़ा सा कंबस में चला गया। सन आपके 10th house का लॉर्ड है, सो आपका अपनी शख्सियत से भी हटके पूरा फोकस जो है वो अपने कैरियर रोजगार के ऊपर है और आप इस वक्त जो है वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने अपने कैरियर रोजगार के लिए आप हर मुमकिन एफर्ट जो है वो करेंगे और इस तरह अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो आप देंगे। शोभा ज़िंदगी के हवाले से मैं ये कहूँगा, पेशावराना ज़िंदगी के हवाले से आप इस साल की बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो दे सकेंगे। कई एक स्कॉर्पियन जो है वो अपने ज़रिए मुआश को तब्दील करना चाहेंगे या बेहतर करना चाहेंगे, रेनोवेशन की तरफ जाएंगे। इसी तरह आप इस वक्त फोकस हैं कि ज़िंदगी में आपको कोई पोजिशन जो है वो हासिल करनी है और सन इसमें आपको पूरी जो है वो स्ट्रेंथ दे रहा है, फोर्स दे रहा है। इसके अलावा पॉलिटिकल हवाले से भी आप अच्छी पोजीशन में चले जाएंगे, सियासी रुतबा भी मिल सकेगा, माशरे में इज्जत वकार में जो है वो इजाफा हो सकेगा, क्रेडिबिलिटी आपकी जो है वो भी बढ़ती हुई नज़र आती है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि आप बहुत बेहतर होगा, अपने हाथ में एक जो है वो कॉरल वेयर कीजिए, चूँकि मार्स जो है ये कंबस में है तो इसमें थोड़ी सी कमी जो वाकई होगी वो कॉलर जो है वो पूरा कर देगा। इस तरह आप इस पावर पैक को प्रॉपर तरीके से जो है वो इंजॉय कर सकेंगे। मार्स चूंकि आपके छठे घर का भी हाकिम है, सो बेहतर मुलाजमत के असूल में भी मदद देगा, अच्छा एम्प्लॉयरशिप आपको मिल सकेगी, आप खुद जो है अच्छी परफॉर्मेंस कर सकेंगे अगर आप एम्प्लॉय हैं तो। इसके साथ साथ आपकी जो इज्जत वकार में जो इजाफा हो उसके साथ साथ आपके कैरियर रोजगार के हवाले से भी बहुत अच्छी पोजिशन जो है वो मिल सकती है। अगर आपकी तरक्की पेंडिंग थी या प्रमोशन पेंडिंग थी तो उसका हसूल आपके लिए मुमकिन होगा। कारोबारी हवाले से आप इस वक्त बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में जो है वो जाते हुए नजर आते हैं। खाना माल का हाकिम सियारा आपके जायचे के चौथे मौजूद है, चौथी प्लेसमेंट जुपिटर की बहुत ज़बरदस्त होती है, सो माली पोजीशन आपकी बहुत बेहतर रहेगी। ज़्यादातर आपकी तवज्जो अपनी फैमिली, अपने घर के ऊपर रहेगी और कुछ अखराजात भी आप अपने घर के ऊपर कर सकेंगे, डेफिनेटली पैसे होंगे तो ये कर सकेंगे, ये एक बड़ा अहम पॉइंट होता है। तीसरे घर का हाकिम चौथे में अपने ही घर मौजूद है और तीसरे में वीनस बहन भाई जुकारब के साथ रिलेशनशिप बेहतर कर रहा है। सोशल एक्टिविटीज़ आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, आप सॉफ्ट स्पोकन होंगे, तहरीर और तकरीर के मामलों में बेहतरी आएगी। इसके साथ साथ आप अपनी एजुकेशन पर तवज्जो दे सकेंगे। अगर आप छोटे हैं तो नए फैसले हो सकते हैं, यानी अगर आप स्केल 12 तक के हैं तो नए फैसले, और आप बेहतर तौर पर एजुकेशन को परफॉर्म कर सकोगे। सोशल एक्टिविटीज़ आपकी इस हद तक जो है वो बढ़ती नज़र आती हैं कि आप घूमने फिरने का इस वक्त बहुत आपके मिजाज में होगा। इसके साथ शरीक हयात के साथ रिलेशनशिप बहुत बेहतर नज़र आते हैं, क्योंकि सातवें घर का हाकिम ऐसी पोजीशन में जहाँ से तसलीस बन रही है, तो ये आपके लिए एक और भी बहुत अच्छा मौका मिलेगा। बहन भाइयों के साथ, खूसन छोटी बहनों के साथ रिलेशनशिप काफ़ी बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ मदर के साथ रिलेशनशिप बेहतर रहेगा। प्रॉपर्टी सवारी का हसूल आपके लिए जो है वो मुमकिन होगा। बहुत अच्छी जो बात है ये है कि इस वक्त आपकी वालदा अपनी हो या मदर इन लॉ हो, दोनों के साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो बेहतर रहेगा। गो कि आप कुछ अंडर पावर हो जाएंगे अपनी मदर इन लॉ के, चूँकि सन 10th घर का भी हाकिम है, लेकिन फिर भी आपके मामलात उनके साथ भी बेहतर रहते नजर आते हैं। बच्चों से मुतल्लिका मामला भी बहुत अच्छी पोजीशन में है। घर में जो है वो मजहबी महाफिल का इनेकाद आपके लिए कई सादतों का बायस होगा, नॉलेज गेन कर सकेंगे। इनाम स्कीम में पार्टिसिपेशन करना भी बेहतर है। स्केल 12 से 14 की एजुकेशन ये भी बेहतर रहेगी, और इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि औलाद के हवाले से कोई खुशखबरी जो है वो आपको मिल सकती है। सातवें घर का हाकिम जैसे मैंने बताया वीनस बहुत अच्छी पोजीशन में है, और सातवें घर में ही आपके जो है वो 17 November को शर्फ कमर होगा। शर्फ कमर आपके रिलेशनशिप में जहाँ बेहतरी लेके आएगा, वहीं आपको जो है वो पार्टनरशिप की ऑफर भी दिलवा सकता है।
बहुत अच्छा रिलेशनशिप आप करेगा आपने सिबलिंग्स के साथ जो कि आपकी स्पाउस साइड से हैं, यानी आपके शोहर के जो बहन भाई हैं उनके साथ रिलेशनशिप आपका काफ़ी बेहतर रहता नज़र आता है। उसके अलावा शादी का मौके आपके जो है वो बढ़ जाएंगे। इसी तरह आपकी मंगनी तय पाने के इम्कान भी बहुत ज़्यादा रोशन मौजूद हैं। 19 नवंबर को जुजी कमरी ग्रहण होगा और एन इसी जगह पे होगा। आपके किसी सुसाली बहन भाई की शरारत की वजह से ही आपके शराकती अजवाजी मामलात में कुछ सीरियस किस्म का उतार चढ़ाव जो है वो आ सकता है। सो इसको मद्देनजर जरूर रखिएगा। एन वक्त पे इसके नमाज कसफ भी अदा कीजिएगा ताकि आप इसको जो है बेहतर तरीके से टैकल कर सकें। उसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी हम ड्रॉप कर चुके हैं अपने चैनल पे, ऊपर इसका आपको लिंक भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के एंड पे भी आपको मिल जाएगा जुज़वी कमरी ग्रहण ये 19 को है। आपको इसका दौरानिया भी बताया गया है, आपने किस तरीके से इससे बचना है, क्या पढ़ना है और एक ख़ास तौर पे एक विरद खास जो है वो आपको जरूर दिया गया। अपने रिलेशनशिप को बचाने की आपने भरपूर कोशिश करनी है। इससे पहले 17 नवंबर को होने वाले शरफ़ कमर पर भी एक स्पेशल वीडियो आपके लिए हर माह की तरह जो है वो दी गई है, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। आपके बिरूने मुल्क सफ़र की राहें खुली हैं, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि अगर 17 को आपके बिरूने मुल्क सफ़र जहाँ पे ओपन हो रहा है वहीं पे 19 को इसमें रुकावट भी आ रही है। सो बेहतर होगा कि इस हफ्ते को ड्रॉप किया जाए और अगले हफ्ते में जब मून एग्जैक्टली आपके नामे घर में आएगा फिर हम इस पर इंशाल्लाह अप्लाई करेंगे, तो ये वक्त इसके लिए जो है वो बेहतर नहीं होगा। इसी तरह अगर आप अपनी एजुकेशन के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ये हफ्ता जो है वो ड्रॉप करना बेहतर होगा। आपके 11वें घर का हाकिम सियारा आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में मौजूद है, दोस्त अहबाब आपका भरपूर तावन भी रहेगा और इसके साथ साथ आपकी ख्वाहिशात की तकमील की राहें भी जो हैं वो भी खुलती चली जाएंगी। ये आपके लिए इंशाल्लाह बेहतरीन साबित होगा। अगर आप पाकिस्तान से बाहर मुकीम हैं, इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतरीन वक्त है। इसके अलावा अगर आप वहाँ से कहीं और शिफ्ट होना चाहें तो उसके लिए भी बेहतरीन टाइम है। बेहतरीन जेमस्टोन के लिए आप हमारी वेबसाइट javajam.com विजिट कर सकते हैं। ऑलरेडी इसके ऊपर 3 दिन की फ्लैट ऑफर जो है वो लग चुकी है 11, 12, 13 नवंबर। ये वीडियो जब आपके पास आएगी तो अभी भी आपके पास टाइम होगा जबकि आप जो है वो इसको हासिल कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज्वाइन कर लीजिए या इसको कर लीजिए, लेकिन जेन में रखिएगा कि 11, 12 और 13 नवंबर सिर्फ ये 3 दिन आपके लिए ऑफर जो है ये मौजूद है। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह इस बार भी आज की जो वीडियो है ये भी आपको एक गाइडलाइन जो है वो मिल जाएगी, आपको आइडिया हो जाएगा कि आगे हालात किस तरफ जा रहे हैं और आपको किन चीज़ों से रुकना है और कौन सी चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। वीडियो के बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर पुश कर लीजिएगा ताकि दीगर वीडियोस भी आपको मिलती रहें।